हाय एवरीवन दोस्तों, सी टेट पेपर सेकंड मैथ साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं और ख़ास तौर पे साइंस डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटी छोटी कंसेप्ट को लेकर मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में बाकी सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कंसेप्ट है बट कन्फर्म इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा समझते हैं इसको। देखो, प्लांट्स में ना जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो समझते हैं, फिर बाद में असेक्सुअल में समझाता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लावर होता है। ये फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, प्लांट का फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें देखो, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये वाला, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनके अपने नाम है। इनके बीच में पोलनाइजेशन होकर फर्टिलाइजेशन होता है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी होती है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। देखो, इसमें भी एक रहता यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, या बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो फ्लावर्स है तो ये बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। बाय में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाला, जिसको कहते हैं स्टेमेन, वो भी एक ही फ्लावर में मौजूद होता है। और दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको बोलते हैं कार्पल, ये वाला जो दिख रहा पूरा यहाँ पे कार्पल, तो एक ही फ्लावर में होता है, इसको बायसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, पहले इनके फीचर समझ लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो ठीक है, देखो ये सिर्फ मेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी पे सवाल पूछता है। बाकी जो चीज़ें नाम आपको नहीं भी याद रखे तो चलेगा। तो देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको बोलते हैं स्टेमेन बोलते हैं। अब उसमें ये ऊपर का ये जो दिख रहा पीला पीला फ्लावरिंग के जैसा, तो उसको एंथर बोलते हैं। इसके ऊपर पोलन ग्रीन तैयार होता है, पोलन ग्रीन। ठीक है, और जो बाकी जो ये जो दिख रही है आपको, ये उसका स्टैंड है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो इतना याद रखो। उसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाला, तो उसको कार्पेल बोलते हैं। कौन सा, ये पूरा यहाँ से इतना पूरा कार्पेल बोलते हैं इसको। उसमें अगर देखेंगे आप तो जो ऊपर का ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, ऊपर का स्टिग्मा। और उसके बाद में ये अंदर देख रही है, इसको बोलते हैं फेलन ट्यूब। उसके बाद में इसको बोलते हैं ओवरी, इसको क्या बोलते हैं ओवरी। और ये बीच में ये जो बीज तैयार हो रहे हैं इसको बोलते हैं ओविल्स। ठीक है, ओविल्स बोलते हैं। तो कहानी कैसी है कि यहाँ से पोलन ग्रीन क्या होता है, यहाँ से किसी तरह हवा से या इंसेक्ट की वजह से, कीड़ों की वजह से या और किसी वजह से क्या होता है, पोलन ग्रीन यहाँ पे जाता है और यहाँ से फेलन ट्यूब की वजह से इसमें आता है। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओवरी है इसका बाद में तैयार होता है फ्रूट्स। और जो ये ओवल्स है, ओवल्स इसका तैयार होता है सिड। ओवल्स का क्या होता था, तैयार होता है सिड्स तैयार होते हैं। ऐसा सवाल भी पूछता है कि एक ओवरी में एक से ज़्यादा ओवल्स होते हैं क्या, तो हाँ एक से ज़्यादा ओवल्स होते हैं। अब एक से ज़्यादा ओवल्स है मतलब एक से ज़्यादा सीड है, और कई एग्जांपल प्लांट्स के हैं जिसमें एक से ज़्यादा ओवल्स यानी एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो ये एग्जांपल जो था ये था बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया, जो कि हमने देखे। इसमें एक ही फ्लावर में दोनों फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कुछ यहाँ पे थोड़ा अलग से इसको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना पॉज करके। सबके नाम अपने अपने दिए, तो जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया वही बात है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर आते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पर कई और होता है, फ्लावर के बाहर होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें सिर्फ जो कार्पल है अपना कार्पल, तो वही है, ये स्टिग्मा हो गया, ये फेलर ट्यूब हो गया, और ये ओवरी, और इसके अंदर ये ओवल्स हो गया। तो इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं इसको। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं इसके। ये जो एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं ये वाले, तो ये देखो यहाँ पे सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर है, रोज है, और वो ट्यूलिप्स है। ये सब बायसेक्सुअल इसको प्लांट बोलते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, ये बायसेक्सुअल फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये एग्जांपल याद रखो, सनफ्लावर और रोज हो गया। उसके बाद में यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उसमें ये देखो, ये मेज हो गया आपका। देखो यहाँ पर ये फ्लावर लग रहा और यहाँ पे उसके सीड वगैरह तैयार होते हैं, और जो जो स्टेमेन है वो ऊपर होता है, यहाँ से पोलन ग्रीन इसके नीचे गिरता है, और यहाँ पे इसकी फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है।
तो ये एग्जाम्पल इसका है। और एक एग्जाम्पल है आपका ये पपाया, अपना पपाया, इस पर काफ़ी सवाल पूछता है पपाया। तो ये भी क्या है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का या फिर प्लांट्स का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव जो स्टेमेन है वो अलग है और फ्लावर अलग है। यहाँ से पोलन ग्रीन इस पर आता है और फिर इनका रिप्रोडक्शन होता है और पपैया तैयार होता है। तो ये याद रखो, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको रटने, जो एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है, तो याद रखो ये वाले। मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ, याद रखो सिर्फ उतने। देखो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें देखो रोज आपको याद रखना है, सनफ्लावर बिल्कुल याद रखना है, उसके बाद में मस्टर्ड और ब्रिंजल, उसके बाद में टोमेटो, उसके बाद में मैंगो तो बिल्कुल याद रखना है। ये जितने मैंने सर्कल किए हैं आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी की बुक में इतने हैं तो ये पूछेंगे आपको बार बार, काफ़ी सवाल है इस पर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको याद रखना है कोकोनट फ्लावर याद करना है, पपैया तो कई कितने सारे एग्जाम्पल्स है, वाटरमेलन भी आपको याद रखना है, इस पर भी कितने सारे बार पूछा है, क्यूक्यूम्बर भी याद रखना है, मेज तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में और जो याद रखनी चीज़ है वो आपका बिटर गार्ड, ये बिटर गार्ड को भी याद रखो, ठीक है। एटलीस्ट इतने याद रखो, जितने मैंने सर्कल किए उतने को रट लो, आपको बार बार सवाल पूछेंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर है ना, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनके अंदर में पोलनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है और फर्टिलाइजेशन होकर सीड वगैरह तैयार हो रहा है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डीएनए जो रहता है, अब वो डीएनए कहीं से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फ्लावर में होना चाहिए, फ्लावर के अलावा होता है। तो उसमें जो कोई भी डीएनए है वहाँ से क्या होता है, डीएनए में मतलब डीएनए से, एक डीएनए से दूसरे डीएनए तैयार होकर एक नया प्लांट सी तैयार हो जाता है, मतलब क्लोन तैयार होता है डीएनए से, मतलब सेम टू सेम कॉपी तैयार, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका पहला एग्जाम्पल है आपके सामने ये वाला, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये वाला, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी बोलते हैं इसको, ये जो टर्म्स दिख रही है ना ये वाली। तो इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है, मतलब एक क्लोन तैयार होता है, मतलब एक नया प्लांट्स तैयार होने की प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये फ्लावर्स के अलावा अलग अलग जगह से तैयार होता है, जैसे रूट्स, रूट्स पास से नया एक, रूट से एक नया प्लांट तैयार होगा, या फिर हो सकता स्टेम से तैयार होगा, स्टेम से तैयार होगा, या फिर हो सकता लीफ से, पत्ते से तैयार होगा, ठीक है। ये नया एक फ्लावर तैयार होता, फ्लावर के अलावा तैयार होता। मैं बताता एग्जांपल्स, देखो यहाँ पर ये एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये यहाँ से देखते हैं इसको समझते। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पत्ते का देख रहे हैं, ये पत्तों में यहाँ से इसको रूट्स निकलना शुरू हो गया और यहाँ से एक नया प्लांट खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जाम्पल से, ये रूट्स जो रहते हैं, रूट से देखो ये रूट से एक, और ये रूट से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा और वो खड़ा हो जाएगा इधर से रूट से, मतलब ये रूट से एक अलग भी प्लांट तैयार हो जाएगा, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल से, बहुत बार इसमें भी हो जाता है ऐसा। और एक आपका स्टेम में से, एक स्टेम से देखो ये रूट्स का यहाँ पे, ये एक रूट से दूसरा प्लांट्स पूरा तैयार हो गया। अब ये यहाँ पे भी स्टेम से भी देखो, ये स्टेम था, ये स्टेम से एक और नए कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए यहाँ पे, एक ये वाला स्टेम से एक तैयार हो गया, एक ये तैयार हो गया, एक तैयार हो गया ऐसे। तो मतलब स्टेम से अलग अलग तैयार हो गए, रूट से तैयार हो रहे और लीफ से तैयार हो रहे, फ्लावर के अलावा, क्योंकि फ्लावर है ना, तो किसका एग्जाम्पल है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल्स है। फ्लावर के अलावा अलग अलग तरीके से जो नया क्लोन तैयार होकर प्लांट्स तैयार होता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ये जो टर्म्स है ना यहाँ पे लिखी हुई, ये वाली याद रखना नीचे, ठीक है, आपको सवाल पूछूंगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है असेक्सुअल का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी प्लांट्स के टुकड़ों, अलग अलग पार्ट्स जो टुकड़े हो जाते हैं उसके फ्रेगमेंटेशन होते हैं, किसी प्लांट्स के फ्रेगमेंटेशन होते हैं और वो फ्रेगमेंटेशन से एक अलग प्लांट्स तैयार हो जाता है। देखो अपने क्या किया, यहाँ पे इसको कट किया फ्लावर को, और उसको क्या किया, ये एक अलग बास्केट में इसको लगाया, तो ये भी एक प्लांट्स तैयार हो गया और ये भी एक तैयार हो गया, मतलब दो हो गए। तो ये इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े करके। जैसे गन्ना क्या करते हैं किसान लोग, खेती में जो गन्ना रहता है ना शुगर कैन, उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग डाल दे, तो उससे फिर नया एक खेती खड़ी जाती है, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये हाइड्रा का एग्जाम्पल्स वही है, यहाँ पर हाइड्रा के दो टुकड़े किए, एक ये वाला हिस्सा और ये वाला, इससे एक अलग प्लांट्स तैयार हो गया और इससे एक अलग प्लांट्स तैयार हो गया। तो ये भी क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल्स है। तो इस तरह जो है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हमने फ्लावरिंग्स मतलब प्लांट्स का सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखे, उसके एग्जांपल्स देखे, आपको कंफर्म एक मार्क्स के लिए सवाल डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। कुछ बातें बताता हूँ, अभी रुकते हम लोग, कुछ सूचना दे देता। देखो सी टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन और साथ साथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की क्लासेस चालू है, जो भी इंटरेस्टेड है तो वो
डिस्क्रिप्शन में या फिर थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेंगी, वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ साथ इस साल महाराष्ट्र में महाटीटी और महाटेट होने वाला है दिसंबर तक, तो उसके लिए जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दी है, तो आप वो लिंक को फॉलो करके अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ जून से हम लोग उसकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं महाटीटी की और जो महाटेट है उसकी, तो आप लोग अगर क्लासेस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगेन थंबनेल में डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, आप कॉल कर सकते हैं। लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साइंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।